रवि शास्त्री जब कोच थे तो अपने टेन्योर में चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, सबकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब जब वो कोच नहीं है तब भी वो जो है वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और गौतम गंभीर की बात करी जाए, जब वो कोच बने हैं तो उनका ये कहना है कि वी नो विद गौतम ही इज नो नॉनसेंस गाय। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखिए गौतम गंभीर का जो पूरा साल है वो काफ़ी सक्सेसफुल जा रहा है। आईपीएल में जो है उनकी टीम को जीत हासिल हुई। और बाकी की अगर हम कहें तो सब लोग यही कहते हैं कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में लगभग सारे प्लेयर्स को जानते हैं, आईपीएल टीम्स में लगभग सारे प्लेयर्स उनको जानते हैं या पर्सनली वो भी बहुत सारे प्लेयर्स को जानते हैं। अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो गौतम गंभीर कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़े हैं, इसलिए ऋषभ पंत को जानते हैं। एनएसजी के कोच रह चुके हैं, इसलिए केएल राहुल को भी जो है बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर एक ऐसे कोच हो सकते हैं टीम इंडिया को कि पर्सनली अगर वो प्लेयर्स को जानते हैं तो आगे आने वाले टाइम में उनकी जो एक पर्सनल हम बोले एबिलिटी है उसको वो बाहर निकाल सकते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले अपडेट्स पे नजर डाल लेते हैं। पहली अपडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शोएब मलिक जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, आइए पाकिस्तान। तो जवाब यही है कि भाई हम तो आने वाले हैं नहीं, आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो आप खेल लीजिए। देखिए उनकी हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी है उसकी चर्चा ना सिर्फ इंडिया लेकिन पूरे वर्ल्ड में होती है कि कितनी अच्छी कंट्री है पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, जो टीम इंडिया है उसने श्रीलंका में जाके अपने प्रैक्टिस सेशन सारे शुरू कर दिए हैं। और जहाँ तक तीसरी अपडेट की बात करी जाए तो 31 जुलाई को BCCI और IPL के ओनर्स जो हैं वो एक मीटिंग करने वाले हैं जहाँ पर राइट टू मैच और रिटेंशंस कितने होंगे इसको लेकर चर्चा की जाए। और अगर हम अभी अपडेट पे नजर डालें तो देखिए हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल माइंडसेट जो है वो शुरू हो चुका है क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, IPL में कोई खास उनकी तारीफ नहीं होती, जिसको लेकर जसप्रीत बुमराह ने कहा है वी एज अ टीम वी आर विद हिम टॉकिंग टू हिम। और चलिए बैक टू द स्टोरी चलते हैं। जहाँ तक गौतम गंभीर की बात है, एज अ कोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो 2007 और 2011 के दोनों वर्ल्ड कप जो है वो कह सकते हैं कि उसको जिताने में उनकी भूमिका काफ़ी अहम थी। एज अ अगर IPL कैप्टन की बात करें तो 2012 और 14 में KKR को जिताया। और उसके बाद एज अ कोच देखें तो IPL की ट्रॉफी हाल ही में KKR में जो जीती है उसके लिए क्रेडिट जो है वो उन्हें दिया था। और कहीं ना कहीं KKR में भी एक लकी चार्म वो साबित हुए थे क्योंकि 2011 से 2017 तक वो टीम का हिस्सा थे एज अ प्लेयर। और कहीं ना कहीं टीम हमेशा जो है आगे ही नजर आती थी। 2011 में प्लेऑफ थी, 2012 में चैंपियन बनी, 2013 थोड़ा सा उनका नाकामयाब साल था, 14 की अगर हम बात करें तो फिर से जो है चैंपियन बनी, 15 में लीग स्टेजेस तक पहुँच पाई और 16 और 17 में प्लेऑफ में पहुंची। तो चलिए बात करते हैं गौतम गंभीर की कि उनकी कोचिंग में इंडिया जो है वो कौन कौन सी ICC की ट्रॉफीज़ के लिए दावेदारी पेश करेगा। 2025 में दो ट्रॉफीज़ होंगी, पहली है ICC की चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च में, फिर उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप होगी। यहाँ पर 2026 आएगा जब तो इंडिया एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप को लेकर दावेदारी पेश करेगी और 2027 में साउथ अफ्रीका में जो है वो ODI वर्ल्ड कप होगा। और देखिए अगर हम एज की बात करें तो गौतम गंभीर जो है काफ़ी यंग है टीम इंडिया को कोच करने के लिए, कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से आप यंग जनरेशन और एक जो वो एज गैप होता है वो नहीं आता है, जनरेशन गैप नहीं बीच में आता और आप उनका माइंडसेट पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रिंकू सिंह ये सारे टीम में जो है यंगस्टर्स है, 26 22 24 26 ऐसी ही जो है इनकी उम्र है। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर इनसे बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। और जहाँ तक टीम इंडिया को अगर आने वाले टाइम में ट्रॉफीज जीतनी है तो रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि आपका अगर एक दिन खराब आ जाए या फिर ये तीनों खिलाड़ी परफॉर्म ना करें तो फिर आप जो है वो ICC की चैंपियंस ट्रॉफी या बाकी ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। तो देख लेते हैं उर्विका कि कौन कौन से इंडिया जो है वो मैचेस खेलने वाला है 2024 के एंड। देखिए अभी हाल ही में तो T20 एंड ODIs होने वाले हैं श्रीलंका के खिलाफ, जिसके बाद दो टेस्ट और 3 T20s देखने को मिलेंगे। फिर इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका होने वाला है जिसमें 4 T20s होंगे और इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया होगा जिसमें 5 टेस्ट खेले जाएंगे। तो ये जो है वो कुछ दौरे रहने वाले हैं, हम देखते हैं कि यहाँ से इंडिया जो है वो कितनी अच्छी प्रेप कर पाएगा और एज अ गौतम गंभीर जो 2024 में कोच बने हैं एंड तक जो है वो कितनी ट्रॉफीज या फिर कितने मैचेस जो है वो जीत पाएंगे। देखिए अभी जो है उनकी कोचिंग टीम इंडिया में शुरू हुई है तो अभी के लिए कोई भी जजमेंट पास कर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल और जल्दबाजी का काम होगा। धीरे धीरे जो है हमें अपना जो एक मुद्दा है इसको आगे रखना होगा। आपको क्या लगता है कि कितने पानी में है गौतम गंभीर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।